जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अतीक सिद्धू साहब, जो कि साबिक पुलिस ऑफिसर हैं और बड़े नामवर शख्सियत हैं। हमें हमारे चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख साहब ने भी ज्वाइन किया है। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुजाहिद साहब, आपकी इजाज़त से अगर मैं अतीक साहब से पहला सवाल ये पूछ लूँ। अतीक साहब, आपने देखा कि हम इस वक्त अभी माल रोड पर हैं, तकरीबन सिर्फ 2% आवाम ऐसी है जिसने सेकेंड राइडर ने हेलमेट पहना होगा, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ये अहकाम जारी कर चुकी है कि अदालती हुक्म पर मनोअन अमल होना चाहिए। मनोअन तो अमल हम देख नहीं रहे। एक ऐसा कानून जो कि 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा गुजर चुका, वो कानून की बुक में है, कानून की किताब में है, लेकिन उसके ऊपर आज तक इम्प्लीमेंट करवाना ये किसी के बस की बात ही नहीं रही। लोगों के मिजाज में शामिल नहीं है कि कानून पर अमल दरामद करना, उन तक पहुँचता ही नहीं है। ये सड़क पे खड़ा करके पुलिस का वही डर है कि कांस्टेबल जिसको मर्जी रोक ले और ट्रैफिक वार्डन रोक ले तो उसके काबू में आ जाए, उसका चलान कर दे, ताकि वो रात को अपना फिगर बता दे कि आज मैंने 1000 चलान कर दिया, इसमें 2000 चलान। जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, आपके सामने जा रहे हैं, कभी देखें वो सामने आपके सामने है, वो अभी तक हेलमेट नहीं पहना, वो पीछे बैठा है, और कितने वार्डन खड़े हैं, वो आपका कैमरा देख के आए हैं, आप मुतद्दद गुजर चुके हैं यहाँ से बंदे। लोगों का यही सड़क है मार रोड, यहाँ पे मुअज्जज हाई कोर्ट ने मुतद्दद दफा ऑर्डर किए हैं कि यहाँ पे कोई जलसा जुलूस नहीं हो सकता, आपके सामने है, यहाँ पे जो कानून का एहतराम नहीं होता, कोई रोकता कोई नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं, कितने लोगों के पर्चे हुए हैं। ये एक बेचारा आदमी है, अभी घर से उसका रोटी खाने के नहीं है, ये उन लोगों के लिए बातें हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो कर। एक आदमी की तनख्वाही 2000 रुपये है, उसका बीवी काम करती है, उसकी बचत 2000 रुपये उसको बचत है, वो कहाँ से 3000 रुपये की उसकी बेगम लेके आएगी, वो ये बड़ा इसको। मुजाहिद साहब, बात यह है कि कानून एक अलग सब्जेक्ट है और गुर्बत एक अलग सब्जेक्ट है, अब ये दोनों को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये दिखाएं ना कि ये 2 से 3 मोटरसाइकिलों पर डबल सवारी है और दोनों ने हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, और ट्रैफिक वार्डन भी आप अपने जो है वो बाई जानी देख सकती हैं कि कितनी बड़ी तादाद में वो खड़े हुए हैं, और आपका कैमरा उनको एक्सपोज कर रहा है, तो इस खौफ से वो आगे आ रहे हैं। आप ये इस लाइन में देखें तो हमें 7 से 8 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो सेकंड सवारी है, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो कल जब सीटीओ ने इस बात का ऐलान किया कि मार रोड पर जो डबल सवारी है हेलमेट नहीं पहनेगी, तो हम उनको चढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि अभी सिर्फ मार रोड का हिस्सा है जो नहर से कनाल रोड से शुरू होकर अनारकली तक जो है वो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लोग बेखौफ होके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से मुतबादल रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि सीटीओ लाहौर की जो हिकमत अमली है वो उस तरह से सूदमंद ही नहीं अभी तक हो पा रही है कि जिस मकसद के लिए, कि लोगों की जान की हिफाजत के लिए और लोगों की जो कोई जानी नुकसान ना, उसके लिए हेलमेट का इस्तेमाल करार दिया गया था। और जो गुर्बत की आपने बात की है, तो यहाँ पर बेशुमार लोग ऐसे हैं, और मोटरसाइकिल सवार है कौन? रोजाना की बुनियाद पर डेली वेजेस पे कमाने वाला मोटरसाइकिल सवार है, नौकरी पेशा आदमी मोटरसाइकिल सवार है, और मोटरसाइकिल की दूसरी सवारी वो है जिस किसी ने अपनी बच्ची को स्कूल में छोड़ना है, किसी ने अपनी वाइफ को कहीं पे काम पे छोड़ना है, ऑफिस में छोड़ना है या कॉलेज यूनिवर्सिटी में छोड़ना है, ये वो लोग हैं। तो मेरा ख्याल है इस वजह से इस पे अमल दरामद भी उस तरह से नहीं हो पा रहा है। और अगर अच्छा मुजाहिद शेख साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ अगर कोई यूरोप से होके आ जाए, यूरोप छोड़े आप दुबई से कोई होकर आ जाए, तो कानों को हाथ लगाता है कि वहाँ का कानून तो वाह क्या बात है, और वहाँ पर तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, कानून तोड़ना आपको बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन अपने मुल्क में आके, अपनी गली में आके आप शेर बन जाते हैं और कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं। देखिए, जिन मुल्कों की बात यहाँ पर कोड की जाती है वो तरक्की याफ्ता लोग हैं, हम तो तरक्की पजीर लोग हैं, और वहाँ पे मोटर बाइक शौकिया लिए तो तरक्की पजीर है कि कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, अमल नहीं करना। बिल्कुल, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। जिम्मेदारी रियासत की है कि कानून के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। कुल रियासत की जिम्मेदारी है, उन इदारों की जिम्मेदारी है जिसकी जिम्मेदारी ये लगाई जाती है, लेकिन जिनकी मिसाल ये दी जाती है, मोटरसाइकिल जो है वो पाकिस्तान में ज़रूरत के तहत इस्तेमाल की जाती है, वरना यहाँ पर खुशहाली हो और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हर किसी के लिए ज़रूरी इसलिए करार दिया जाता है कि सस्ती कन्वेंस है, 25-30 हज़ार रुपये में मोटरसाइकिल एक आम आदमी ले लेता है, लेकिन आप देखें कि इस पर ज़रूरियात कितनी लोगों की पूरी होती है, इसको कन्वेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, रोज़गार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा
और ये जिस तरह से अमल दरामद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से करवाने की कोशिश की जा रही है, उस तरह से अमल दरामद हो नहीं सकता। आप लाहौर नाकाम कोशिश कह सकते हैं इसको, नाकाम कोशिश है और सब नाकाम कोशिश कह सकते हैं, कह सकते हैं आप। देखे साथ ही अगर यहाँ से गुजरे, अगर आप शदरा चला जाए वहाँ अमल दरामद नहीं हो सकता। आप शेखुपुरे से चले जाए, यहाँ पे लोग सफर करते हैं शेखुपुरा से आके, मोटरसाइकिल वाले भी वो मियो अस्पताल मरीज को मिलने के लिए आ रहा है, उसकी बेटी साथ है, उसकी माँ साथ है, ये सारा एक पूरे पंजाब को अमल दरामद करनी है। इसको थोड़ा सा इसको सोचना चाहिए, इन्हें लेक्चर देना चाहिए इनको। क्या हम आपको ये बताया कि जब जलसे जुलूस पे अमल दरामद नहीं हो सकता इसी से, तो बेचारा यहाँ से ये तो 2 किलोमीटर के बाद नया कानून बन जाता है, यानी कि आप कान्हा चले जाएँ कसूर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है, वहाँ तो अमल दरामद ही नहीं हो रहा, वो वहाँ से जो चलेगा कान्हा से जो सदर नौकरी। साहब हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अदालतों के ऊपर बेतहाशा बोझ है, एक आम शहरी उसके केसेस लगे हैं लेकिन वो हल होने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि अदालतों के ऊपर बेतहाशा बोझ है। ऐसे में अदालतों के ऊपर ये भी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इदारों जो इदारे हैं वो जो काम नहीं कर रहे, माल लोड है और आप ये देखें 1, 2, 3 और ये 3 लोग डबल सवारी पे हैं, वो बच्ची कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी से आ रही है, ये काउंटिंग में आप यकीन करिए पहले कर चुकी। बिल्कुल ये, और क्या है जैसे अतीक साहब ने अभी बात की थी कि ये जो वार्डन खड़े हुए हैं ये अपनी तादाद बढ़ाने के लिए, कि रात को ये सीटीओ साहब को रिपोर्ट देंगे कि आज हमने 2500 चलान कर दिए और 2500 का 200 रुपए का चलान हो रहा है और कल की जो एक दिन पहले का मामला था उसमें 6 लाख रुपए के चलान किए गए थे, तो इसी तरह से आज भी यहीं पे इसी तरह से होगा। बात यह है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो मौजूदा अदालतें हैं उनके ऊपर तो पहले ही केसेस का इतना बोझ है, ऊपर से जो इदारे अपना काम नहीं कर रहे, लेस्को हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गई या फिर दीगर इदारे हो गए, वो अपना काम जब नहीं करते हैं तो अदालतें अहकाम जारी करती हैं कि तजावजात का खात्मा करें शहर में, शहरियों को कहें कि वो हेलमेट पहने, शहरियों को कहें कि वो ये ना करें वो ना करें, तो ये फिर इदारे हैं जब अपना काम नहीं करेंगे और अदालत तो को बीच में आना पड़ेगा तो फिर ये कौन से मुमालिक में, ये तो मैं अपने ही मुल्क में देख रही हूँ ये जो किस्सा है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए मदिया सबसे पहले सारे स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे। देखिए सबसे पहली बात ये है कि हेलमेट का पहनना लाजमी ये आज करार नहीं दिया गया, ये पुराना कानून है और कानून में मौजूद है, ये जब से कानून बना हुआ है, अगर उस वक्त से इम्प्लीमेंट करवाया जाता तो आज ये मुश्किल शहरियों को ना होती कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास ना तो पैसे हैं हेलमेट खरीदने के लिए और ना हम इसको इस्तेमाल करने में इतनी आसानी हमें है। इसकी वजह ये है कि ये पहले और अब तक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया नहीं जाता। अब आप ये देखें कि इस वक्त लाहौर में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का रुझान और फोकस है हेलमेट, बहुत सारे लोग गाड़ियों में जा रहे हैं जो सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जा रहे हैं जो मोबाइल फोन सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माल लोड के अलावा डबल सवारी अगर कर रहे हैं तो वो भी हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो उनको कौन से कानून है? किसी दूसरे मुल्क की पुलिस लोकेशन पे हम चलते हैं, वहाँ की सूरत हाल भी, और अतीक साहब से एक सवाल मैंने पूछा, नाजिन चलिए आगे चलते हैं। नाजिन लोकेशन हम तब्दील कर चुके हैं, एक और पॉइंट है और यहाँ पे भी जो चालान है उनका सिलसिला सीधा सीधा चल रहा है लेकिन वॉयलेट करने वाले लोग ज्यादा हैं। हम जिस भी पॉइंट में जा रहे हैं अतीक साहब, वहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ज्यादा और जिनका चालान हो रहा है वो कम है। मैडम बात ये है कि ये छोटे छोटे बेचारे गरीब लोग हैं, ये वार्डन के दस्तरस में आता है, इनको रोक सकता है। आपने तजावजात की बात की है, आप जाएँ शालमी की दुकानदार के पास जहाँ पे गंदे नालों पे मार्केटें बनी हैं, इतने बेनतहा तजावजात हैं जो रोक नहीं सकता, कमल दरामद करा के दिखाए। ये अब से नहीं, कई दफ़ा कोर्ट्स हुक्म कर चुकी हैं, बिल्कुल वो तो ताजर बन चुके हैं, वो उनके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं डिफेंस है, उन्होंने तो बड़े बड़े प्लाजे बना लिए हैं, तो उनको रोक नहीं सकता कोई, जिसमें एलडीए वाले, टाउन प्लानर वाले और सारे लोग शामिल हैं, और उन्हें किसी ने, लोगों ने सड़कें ऊपर हैं, नीचे उन्होंने बेसमेंट बनाई हुई है। अगेन अतीक साहब बात वहीं पे आ गई कि इदारे अपना काम नहीं करते। अदारे करते हैं मगर अदारे इतने कमजोर हो चुके हैं, वार्डन सिर्फ इस गरीब मोटरसाइकिल को रोक सकता है, कोई बंदा इनको क्यों कमजोर है, क्यों इनको फंड्स नहीं मिलते, इनके पास अहल कार्ड नहीं है, क्यों, क्या वजह है? फंड जितने हैं जिसका उसका वसाइल है वो इतना कमजोर है, किसी ताकतवर को हार नहीं डालता। एलडीए क्यों कमजोर है, क्यों? देखिए आपने जब जहां तक बात की है ना इदारों की कि ट्रैफिक वार्डन इतने कमजोर, ट्रैफिक वार्डन कैसे कमजोर हैं? आप भी तो वो सीटीओ के हुक्म पर चलान करें या आपके पीछे हैं, आप तो सिग्नल पे रोक के तो उनको चलान करें, तो पहले क्यों नहीं किया गया? इसलिए कि जो अफसरान इन इदारों में लगाए गए हैं वो इस अहल नहीं है,
उन्होंने इस अहल होने का सबूत ही नहीं दिया। अब हाई कोर्ट ने जब ये हुक्म दे दिया कि ये शाम तक ये काम होना चाहिए, तो वो अफसरान और वो इदारे भाग पड़े हैं और मुसीबत जो है वो आम शहरियों को पड़ी है। आज से पहले क्यों नहीं किया गया? कितने साल से, कितना साल पुराना ये कानून? मैं बारहा ये कह चुकी हूँ कि जो कानून है वो तो तीन दहाइयों से भी पहले का है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों आज हो रहा है? जरा मुझे इजाजत दीजिए, मैंने पीछे जाना है, ये जो ट्रैफिक वार्डन है उनसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने ये पूछना है कि अभी तक कितने चालान हो चुके जो हेलमेट है उसके कानून के ऊपर? 3 बजे शिफ्ट स्टार्ट हुई है, मुसलसल कर रहे हैं। पहली शिफ्ट बहुत अच्छा मतलब करके गई है यहाँ पे। आपकी शिफ्ट में कितने हुए चालान? यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 चालान हो चुके हैं। 20 आपने सिर्फ 30 से 40 चालान कर दिए या ओवरऑल ये फैसला? ओवरऑल तकरीबन 4 से 5 लोग इधर तैनात हैं, 5 लोग तैनात हैं, ये टोटल मिला के इतने हैं। अच्छा, इस दौरान आप कोई सीट बेल्ट ना बांधने वाले का भी चालान कर रहे हैं या मोबाइल सुनने वाले का भी चालान करेंगे? सिर्फ फोकस आपने हेलमेट जो डबल सवारी है उसके हेलमेट ना पहनने पर कर रहे हैं? असल में ये स्पेशल कंपेन है हेलमेट की, उसी को ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन ये मोमेंट्स गुजर रही हैं, वीवीआईपी मोमेंट्स और दीगर वायलेशन को भी हम देख रहे हैं बहुत सारे इसके अलावा। बढ़िया, वही बात है कि अब जब कंपेन हाईकोर्ट का हुक्म हुआ है कि हेलमेट ना पहनने वाले का चालान किया जाए, तो वार्डन साहब ने भी बिल्कुल क्लियर कट बताया कि जी कंपेन चल रही है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो कि बाकी जो मर्जी कानून की खिलाफ वर्जी करता रहे उसे कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन जो गरीब आदमी जो ट्रैफिक की कानून की खिलाफ वर्जी जैसे ये हेलमेट की इस वक्त कंपेन चल रही है वो जो नहीं पहनेगा उसको ये पकड़ेंगे, चलान करेंगे। लेकिन मुजाहिद शेख साहब, अगर नजर आप पीछे दौड़ाएं और यहाँ पर सिग्नल बंद है और लेडीज जो है उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, बिल्कुल आप देख लें पहना, इन्होंने नहीं पहना, सिर्फ रखा हुआ डर के मारे। ये हमारे मिजाज के टारगेट जो कंपेन चल रही है, जैसे बसंत आएगी हम गुड़ी गुड़ डोर लगा लेंगे, अगर ईद आ जाएगी दो दुकानदार वो सेवियां लगा लेगा। हम मौसमी से लोग हैं, जो हम अब कंपेन चल रही है सिर्फ मोटरसाइकिल वाले पकड़ना है, बाकी जहां से जहाज गुजर जाए जो मर्जी ट्रैफिक वायलेशन है उसको पकड़ना है। सिर्फ यही काम है कि हम सिर्फ टारगेट सिर्फ जो अपने दिहाड़ी के हम मौसमी से लोग हैं। ये वहाँ क्यों ऐसा रुझान क्यों है लोगों का? ये शुरू से हमारे मिजाज में ये शामिल है, हम बिल्कुल हम तो मेले ठेले। अच्छा, वो दिखा रहे हैं आपका चालान हुआ था? इन्होंने चालान किया, मैं रोड के साथ साथ चल रहा था, रोड के साथ साथ यहाँ पीछे इस सड़क के साथ साथ चल के जा रहा था, तो मुझे वहाँ से साइड पे खड़े रोके, कहते हैं भैया आप रॉन्ग वे जा रहे हैं। एक बंदा अब सड़क पे यहाँ उतर है यहाँ साइड से, तो वो पहले यहाँ मेन पे आए, मेन पे आके घूमे, ऊपर से जाए वापस। तो आपने एहतजाज में जो हेलमेट है उतार के आगे रख लिया? हमें क्या जरूरत है पहनने की, सारा कुछ फॉलो किया है, हेलमेट भी पहन लिया है, अब कुछ कर रहे हैं सड़क के किनारे पे वापस मुड़ रहे हैं तो वहाँ पे चालान कर दिया। अब वहाँ से मुड़ के मेन पे चढ़े ना कहीं से। अब मैं अब मुजाहिद शेख साहब, उन्होंने एहतजाजन जो है हेलमेट उतार दिया अभी नहीं, मैं तो बड़ा नाराज हूं। ये जो हेलमेट पहनना है ये इसलिए लाजमी करार दिया गया कि आपकी जिंदगी का आपकी जिंदगी के लिए बड़ा जरूरी है। मेरी जिंदगी है ना, मुझे पता नहीं है, मैं बीमार हूँ पहले ही, ऑलरेडी डिप्रेशन का भी मरीज हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, समझ लगी आपको? यहाँ सारे बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ों में थोड़ा सा मैं भी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मायूस क्यों है? अच्छा ये बताइए कि आप सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा, आपको क्यों डिप्रेशन है? आपको जो कवानीन है और जो के ट्रैफिक के कवानीन है, आपको इससे डिप्रेशन होती है? ऑब्वियसली जब एक शख्स, अब मैं सड़क से एक जायज की फ्रेंचाइज मैं सिम बंद करवाने गया हूँ, सिम फ्री में बंद हुई है, 200 रुपया इधर गवर्नमेंट के खाते में चला गया, मुझे क्या फ़ायदा हुआ? पेट्रोल भी मैंने वेस्ट किया, वहाँ हेड ऑफिस से कहते हैं बंद नहीं करनी, वहाँ से ही होगी हेड ऑफिस जाए, अब जे रोड है, मैं शॉप बंद करके उधर गया हूँ, वहाँ से वापस आ रहा हूँ, तो मैंने अभी मोबाइल रिपेयर करवाना था, मेरे जेब में 450 रुपये थे, बाकी मैंने नहीं लेके आया ज़्यादा साथ, 450 रुपया जेब में है, तो मैंने अब जाना है वहाँ पर। अब आपका चालान किस कौन से डॉक्यूमेंट्स पे हुआ है? क्या रखा है उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों ने? लाइसेंस मेरा। अब लाइसेंस रखने के लिए फिर कल आप दुकान बंद करेंगे? जी नहीं, मैं ये जमा करवा के वहाँ पे उनसे लाइसेंस दोबारा लेके आया हूँ और उनको कह के भी आया हूँ कि ये आपने नाजायज किया, लेकिन वो आगे से जूंगे तो ये मुझे पक्का कन्फर्म है, ये बस खाना बुरी होती है। वन वे का मतलब क्या होता है कि मैं सड़क के बीचों बीच जा रहा हूँ, वन वे जा रहा हूँ, मैं दुकानों के साथ साथ दुकान देख रहा हूँ यार, इधर मैं साइड पे कहाँ से मुड़ूँ, तो मुझे सड़क के इधर बुला के सेंटर में उतरे जी नीचे मेरे। अच्छा एक 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 रिक्वेस्ट आपसे करनी है मैंने जी, मैंने ये करनी है कि आप डिप्रेस ना हो।
डिप्रेस तो ऑब्वियसली होना है ना। आप क्योंकि कह चुके मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हूँ, आप खुश रहे? खुश रहता था पहले, कोई टाइम होता था, अब खुशी का टाइम नहीं है। इधर ट्रैफिक देखे आप, इधर क्या, आप हेलमेट पहन लीजिए और आपके तमाम जो मामला है हमने रिकॉर्ड किए। एक और पीछे शहरी हमसे बात करना चाहते हैं, आपका क्या मसला है? काफी देर से मैं देख रही हूँ आप हमसे बात करना चाहते हैं। मदिया, इन्होंने एक तो हेलमेट खुद भी पहना हुआ और एक साथ लटकाया हुआ हेलमेट। मेरा ख्याल है आपने किसी भी सवारी को बैठाना पड़े, इसी वजह से कि हम लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। ये हमारा जो CTO का डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है, मैडम इस तरह का डिपार्टमेंट है कि हर तरह की रूल की वायलेशन वो बाइक वालों पे ही लागू है, नंबर वन। नंबर टू, जब हम लाइसेंस लेने जाते हैं, सपोज मेरे पास मोटरसाइकिल प्लस LTV प्लस HTV लाइसेंस है, मैंने LTV लाइसेंस भी पैसे दे के बनवाया, मैंने HTV लाइसेंस भी 5500-5500 दे के बनवाया। ये सीट इन डिपार्टमेंट को, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को क्या कोई पूछने वाला नहीं है? सारे रूल रेगुलेशन क्या बाइक वालों पे लागू होते हैं? मैं LTV लाइसेंस बनवाने के लिए गया हूँ, मुझे MVI का जो आगे सब ट्रैफिक वार्डन बैठा है उसने कहा, पुत्र तू 5500-12 बना ले तो मेरे को डबल लाइसेंस बनवा ले। मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैंने अपना HTV का लाइसेंस 5500 रुपया पहले इकट्ठा किया, फिर मैंने दिया तो मैं पास हुआ, नहीं तो हर दफ़ा MVI मुझे फेल कर देता था। अगर इनसे बात करें तो कहते हैं MVI रिश्वत दे के आप पास हो गए। जी, रिश्वत दे के, और जो उनसे बंदे ने मुझे भेजा है उसने कहा कि आपने हर सवाल का गलत जवाब देना है। मैं कहा यार, मैं फिर कहता यार मैंने आपको कह दिया ना, तो मैंने गलत जवाब दिया है, तो मेरे पास LTV HTV लाइसेंस मौजूद है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को कोई नहीं पूछने वाला, हर तरह के रूल रेगुल। आज भी आप कहानी सुनी, देखिए मदिया, ये लम्हा फिक्रिया है CTO लाहौर के लिए। उनको बारह इस हवाले से कहा गया कि आप जो लाइसेंस बनवाते हैं या आपके वहाँ पे जो लाइसेंस बनते हैं वहाँ पे रिश्वत का बाजार बहुत गर्म है। ये वो शख्स है जिसने अपना लाइसेंस बनवाया और कानून की पासदारी इस तरह से कर रहा है कि एक हेलमेट उसने लटकाया हुआ है, एक उसने पहना हुआ है, और वो दिल जला जो है वो अपना इजहार कर रहा है कि वहाँ पे क्या रिश्वत का बाजार गर्म है। और ट्रैफिक वार्डन का ये नाम ले रहे हैं, लेकिन CTO साहब को चूंकि डायरेक्शन मिली है और वो जिस तरह से भी अधीक साहब ने बात की कि हम मौसमी लिहाज से जो है वो सारे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप ये देखें कि हम सिर्फ हेलमेट पे फोकस किया हुआ है, हमने ये फोकस नहीं किया हुआ कि लाइसेंस बनवाने के लिए शहरियों को क्या मुश्किल का सामना करना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं। और ये एक बड़ी अहम बात कर रहे थे CTO साहब, 5500 दिए इन्होंने एग्जाम पास करने के लिए। अच्छा, आप कुछ लास्ट में कहना चाहते हैं? मैडम, आज भी हम अपने घर की, हम 65 साल से रह रहे, आज भी हम अपने घर की फर्द बगैर पैसों से नहीं निकलवा सकते, लेकिन हमें ये फॉलो करने पड़े हैं। पता नहीं मेरी कितनी सैलरी है, गवर्नमेंट मुलाजम किस तरह अरेंज करके हम लोग अपने ये घर के बिल जमा कराए ना कराए, हेलमेट लाजमी ले लिया, लाजमी लेना है हेलमेट जो है। इसकी कहानी जो है वो हम आपको सुना रहे हैं, एक ट्रैफिक सिग्नल पे हम मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं और हम देख रहे हैं कि लोगों की क्या कहानी है। एक जो यहाँ पर शहरी थे उनकी कहानी बहुत दुख भरी थी कि डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और रात को सोने के लिए वो गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शहरी हैं, जो फर्स्ट राइडर है उसे तो हेलमेट पहना है, लेकिन जो सेकंड राइडर है वो ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, उन्होंने अभी तक मनोअन अदालती हुक्म के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं किया। ये मजीद जो सिलसिला है हम जारी रखेंगे। प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।